और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मातोश्री पहुंचे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मातोश्री में महाराष्ट्र संकट पर इस वक्त बैठक चल रही है, शरद पवार इस बैठक का हिस्सा हैं और ऐसे में संजय राउत भी पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट है। शिवसेना ने कल एक बैठक भी बुलाई है जिसमें सारे पदाधिकारी शामिल होंगे। तो ये दो बड़ी बातें हैं अब तक की जो अपडेट है। मातोश्री पहुंचे हैं संजय राउत, तस्वीर आपके सामने है, जहां पहले से बहुत देर से मंथन चल रहा है। उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, शरद पवार अंदर मौजूद हैं मातोश्री में, कई और बड़े नेता उनके साथ हैं। अब ऐसे में संजय राउत का भी मातोश्री पहुंचना, इसका मतलब ये मंथन और देर तक चल सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि कल शिवसेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं शिवसेना के वो शामिल होंगे। तो देखते ही देखते कैसे इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे ने खेला, उसके बाद आज तल्ख तेवर जब उद्धव ठाकरे दिखाते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक बात सामने आती है कि क्या शरद पवार अब उनकी नैया पार लगा पाएंगे। और यही कारण है कि इस वक्त मातोश्री में शरद पवार के साथ पिछले कई घंटे से इस वक्त मीटिंग चल रही है, यानी बैठक चल रही है, और अब संजय राउत भी वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, संजय राउत के मातोश्री पहुंचने की तस्वीरें। उससे पहले यानी जो सेना मुख्यालय है जिसे पार्टी दफ्तर कहा जाता है, वहां पर आदित्य ठाकरे को हमने आपको दिखाया था जब वो निकले थे वहां से, संबोधित कर रहे थे, बाकी तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर थे। और फिर उसके बाद एकदम शरद पवार मातोश्री पहुंचते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी इस वक्त बैठक चल रही है और संजय राउत का वहां पहुंचना। इसके बाद जो एक और बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, कल शिवसेना की एक बड़ी बैठक है, यानी कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.